यूपी चुनाव खत्म हो चुका है और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की नाराजगी भी सामने आ चुकी है। अब बुधवार को यूपी की राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई दिए। राष्ट्रीय लोकदल चीफ जयंत चौधरी ने अचानक रामपुर का दौरा किया। जयंत ने यहां आजम की पत्नी और पूर्व विधायक तंजीम फातिमा से मुलाकात की। जयंत ने आजम के बेटे और स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम से भी मुलाकात की। इस मुलाकात ने सभी का ध्यान इसलिए भी खींच लिया क्योंकि इस दौरान अखिलेश यादव मौजूद नहीं थे। जयंत पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में हुई हिंसा के मामले में गवाह हरदीप सिंह से मुलाकात करने गए थे। सिंह के साथ पिछले दिनों मारपीट की भी खबरें आई थी। जयंत ने आजम खान के परिजनों से बंद कमरे में मुलाकात के बाद कहा, आजम खान साहब के परिवार के लोग प्रशासनिक तंत्र से नाराज हैं। परिवार मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। मैं उनसे मिलने गया था क्योंकि मेरा इस परिवार से व्यक्तिगत लगाव है। मैं उनके साथ संपर्क में रहूंगा। आजम खान फरवरी 2020 से अब तक कई मामले में सीतापुर जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अखिलेश पर आजम खान सहित दूसरे मुस्लिमों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। मुस्लिम नेताओं द्वारा एसपी के खिलाफ नाराजगी जताए जाने के मुद्दे पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा, यह किसी के विरोध का मामला नहीं है। हर किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी है। मुझे इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि आजम खान के परिवार से मेरा निजी लगाव है। देखिए, मैं किसी और नेता के पक्ष को यहाँ नहीं रख सकता, ना ही कोई सफाई देने आया हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी संवेदनाएं इस परिवार के साथ हैं। चौधरी अजीत सिंह जी आजम साहब का बहुत इज्जत करते थे और हम सबकी इच्छा है कि जिस तरह से वो प्रताड़ित किया गया है इस परिवार को, ये लोग हिम्मत वाले हैं, ये लड़ते रहें।